brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। इस बार अनंतनाग और शोपिया दो अलग अलग जगहों से फायरिंग की घटना सामने आई। शोपिया के हीरपुरा इलाके में आतंकियों ने बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद पर फायरिंग की थी। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां बताया जा रहा कि उनकी मौत हो गई। अनंतनाग के पहलगाम इलाके में राजस्थान के एक कपल को गोली मारी गई। बताया जा रहा कि आतंकियों ने पहलगाम में एक टूरिस्ट कैंप को निशाना बनाया। यहां जयपुर के एक कपल फरहा और तबरेज को गोली लगी है। दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों पति पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों की टीम इलाके में पहुंची। गोलीबारी के बाद इलाके की घेराबंदी की गई। सर्च अभियान जारी है। मसलन शोपिया के हीरपुरा इलाके में हुई फायरिंग में बीजेपी नेता एजाज अहमद बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं आतंकी हमले की घटना पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने टिप्पणी की और एक एक्स पोस्ट में कहा है, हम आज पहलगाम में हुए हमले की निंदा करते हैं, जिसमें दो पर्यटक घायल हो गए और इसके बाद शोपिया के हीरपुरा में एक सरपंच पर हमला हुआ। इन हमलों का समय चिंता का विषय है, जहां दक्षिण कश्मीर में बिना किसी कारण के चुनाव में देरी की गई। ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि विशेष रूप से भारत सरकार लगातार यहां सामान्य स्थिति के दावे कर रही। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी अनंतनाग और शोपिया में हुए आतंकी हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि क्रूरता के ऐसे कार्य जम्मू कश्मीर में शांति हासिल करने में गंभीर बाधा बने हुए हैं। हालांकि ये जो हमला हुआ, इसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा हर जगह पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बहुत जल्द इन आतंकियों को भी पकड़ लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।